सुमित की कहानी में आप देखने वाले हैं कि कैसे सुमित घर के भेदी का पता लगाए कि और घर के भेदी के बारे में जानकर उसके होश होने वाले हैं, और जैसा शगुन ने सोचा था घर में फूंक डालने वाली नीति तो वैसा ही होता है। जहाँ श्लोक सुमित पर चिल्लाएगा, सुमित पर गुस्सा करेगा और कहेगा कि तुम मेरे परिवार के बारे में ऐसा नहीं सोच सकती। मैं आपको ये भी बता दें कि सुमित जो कि उसके परिवार के लिए ही ये सब कर रही है, तो इस बात को श्लोक सुनने से मना कर देगा, बल्कि सुमित को ही बुरा भला कह देगा। अब सुमित कैसे इस परेशानी का सामना करेगी, क्योंकि उसे परिवार के दुख को भी झेलना होगा और परिवार के दुश्मन का भी खुलासा करना होगा। बाकी के अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।